सभी बच्चों का ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित इंटरमीडिएट के सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स 80 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, जिसमें प्रज्ञा यादव लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान प्राप्त करके अपना, अपने परिवार और इस संस्था का नाम रोशन किया है। मैं सभी बच्चों को, साथ में प्रज्ञा यादव को, उनके आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ में उनके गार्जियन को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट किया कि जो इतने अच्छे मार्क्स ले आए हैं। अब मैं, मेरे दाहिने तरफ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो अपने सीनियर से कुछ टिप्स लेकर के आगे भविष्य में अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी को इतने अच्छे नंबरों से पास होने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा करती हूँ कि आप सभी आगे चल के भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करें और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। ये मेरी मेरा क्वेश्चन प्रज्ञा दीदी से है। आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी? सबसे पहले मैंने बुक्स पढ़े, उसके बाद नोट्स बनाया, उसके बाद उसी का रिवीजन किया और जो डाउट्स रह गए उसे ऑनलाइन क्लास से देखा, उसके बाद जो प्रॉब्लम रह गई उसे ऑफलाइन क्लास में सर लोगों ने सॉल्व कराया। उसके बाद जितना भी पढ़ा पूर्ण मनोयोग से पढ़ा है और टीचरों की कहना माना है और पेपर से पहले अनसॉल्व पेपर सॉल्व किया। ओके, थैंक यू। मेरा भी क्वेश्चन प्रज्ञा दीदी से। आप ज्ञान ट्यूटोरियल में कब से पढ़ रही हैं? मैं यहाँ 9th क्लास से पढ़ रही हूँ और 12th क्लास तक पढ़ी और मेरे भाई बहन भी यहीं से पढ़े हैं और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मेरा क्वेश्चन कोमल दी से है। हेलो कोमल दी, मैं पूछना चाहती हूँ आपको कोचिंग में कितना सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट मिला, सारे डाउट्स सारे सब्जेक्ट के क्लियर हुए, सारे टीचर्स ने किए। अनमोल जी से क्वेश्चन है मेरा, बताइए हमें कैसे पढ़ाई करें हम लोग, थोड़ा बताइए हम लोग को। बताना चाहूँगी आप लोग इम्पोर्टेंस नोट्स बनाइए, पूरी बुक पढ़िए और जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले वहाँ से लीजिए और अपने टीचर का सपोर्ट करिए और टीचर से कोई भी डाउट है उसको क्लियर करिए। मेरा सवाल श्वेता जी से है। आपको कभी पढ़ाई में डर लगा? जी हाँ, डर लगा। जब कभी मैं यह सोचती थी कि लॉकडाउन का, जब भी नाम सोचती थी कि लॉकडाउन आने वाला है, इसलिए डर लगता था ताकि मैं कोचिंग कैसे जाऊंगी, अपना सिलेबस या जो भी है तैयारी कैसे करूंगी और बस ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़ाई होती थी समझ में नहीं आती थी जितना कि ऑफलाइन अच्छे से समझ में आती थी। शोएब को पूरा खिलाइएगा, इसने दिल खुश कर दिया। Thank you.
खाना नहीं ले जाना है सर, हमें हमको दे दीजिए अपने तरफ। ये बच्चे चुपके चुपके खाते हुए नहीं